संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको थोड़ी बहुत लाभ अवश्य पहुंचा रही होंगी। पाणिनि शिक्षा के बारे में हमने थोड़ी से विषय में जाना था, उसमें कुछ सूत्रों को श्लोकों को जान लिया है। आज हम पांच श्लोकों के बारे में और जानेंगे और ये मान के चलिए कि इन पांच श्लोकों में से एक से दो प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में अवश्य रहते हैं, जिसमें भी पाणिनि शिक्षा आएगी जिस परीक्षा में उसमें ये मान के चलिए इन पांचों में से एक ना एक प्रश्न अवश्य रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही मुख्य श्लोक हैं पांचों। थोड़ा सा जानेंगे, चर्चा करेंगे सीधे सीधे, और इसमें समझाने के लिए मैंने बताया है पाणिनि शिक्षा में कुछ नहीं है, सीधे श्लोक लिखूंगा उसके बाद में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, पाणिनीय शिक्षा पांच श्लोक हैं, उसको लिखने के बाद थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे उस पर। पहले श्लोक लिख देते हैं, ठीक। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीडयेत। भीता पदन भेदाभ्याम तद्वद् वर्णान। दूसरा है गीति शीघ्री शिरा कंपी तथा लिखित पाठ कहा। अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमा। तृतीया है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पद छेदस्तु सुस्वरः। ठीक है, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पद छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेति पाठ का गुणः। चौथा है प्रातः पठेत नित्यम उरहा स्थितेन स्वरेण शार्दूल ऋतोपमेन
मध्यं दिने कंटकतेन मध्यंदिन कंटकतेन चैव चक्रवाह संकुजित सन्निभेन। एक और है, इसमें आ जा रही चाहिए, पांचवा है, तारम तु विद्यात सवनम तृतीयाम शुरुगतम तच्चा तदा प्रयोज्यम। ठीक है, चलो आ जाएगा। मयूर हंसान्या व्रत स्वराणाम तुल्येन नादेन स्थतेन स्थते शिरा स्थते स्थतेन। ठीक है, मयूर हंसान व्रत स्वराणाम तुल्यनादेन शिरा स्थते। ये पांच हैं और आपको ये कंठस्थ कर लेने हैं। हर परीक्षाओं में इनमें से एक प्रश्न अवश्य रहता है। अब मैं इनको थोड़ा सा समझाऊंगा, समझाने के लिए ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी बातें समझाने में ही आपको बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। श्लोक बहुत ही सरल हैं, इनके बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। थोड़ा सा यहीं से शुरू करेंगे, एक बार ये देख लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं है। व्याघ्र यथा हरेत पुत्रांग दंष्टाभ्याम न चा पीड़यत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वत वर्णान प्रयोजयत। इस तरह से बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा एक बार में। गीति शीघ्री शरह कंपी तथा लिखित पाठक अनर्थज्ञो अल्प कंठश्च षडेते पाठका धमा माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदछेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठका गुणः प्रातः पठेत नित्यम मूढ़ स्थितेन स्वरेण शार्दूलोपमेन मध्यन्नने कंठगतेन चैव चक्राह संकुजित सन्निभेन तारम तु विद्यात् सवनम तृतीया शिरोगतम तत् सदा प्रयोज्यम मयूर हंस भृत स्वराणाम तुल्येन नादेन श्रा स्थितेन। शुरू से देखते हैं, उसके बाद में आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। अब तक हमने जो भी जाना था वो व्यंजनों के बारे में, स्वरों के बारे में, मतलब वर्णों के बारे में बहुत सारी चर्चा कर ली थी हमने। कौन कौन से वर्ण होते हैं, कौन से स्वर होते हैं, क्या क्या होता है उनके साथ, और उच्चारण कैसे होता है। अब ये व्यवस्था और उच्च स्तर पर ले जा रहे हैं, वर्णों को कैसे उच्चरित करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो इन्होंने शुरू में ही बोल दिया है व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान। व्याघ्री का मतलब यहाँ पर बाघ से है, ठीक है ना, और आप बिल्ली से लगा सकते हैं, बिल्ली और बाघ में कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रजाति की है बिल्ली। क्योंकि बिल्ली को ज्यादातर देखा होता है, बाघ को हो सकता है ना देखा हो। तो बिल्ली जैसे अपने बच्चों को यथा हरित पुत्रान, पुत्रान शब्द यहां पुत्र से नहीं है, संस्कृत में ज्यादातर व्यवस्था पुत्रों से ही संबंधित दी गई है, पुत्रों को सर्वोच्च श्रेणी में रखा गया है। अब क्यों रखा गया इस पर चर्चा में नहीं आएंगे हम। तो पुत्र यहां आप बच्चों से ले सकते हैं, क्योंकि पर्यायवाची बहुत सारे हो सकते हैं, हम यहां बच्चे लेंगे। तो बिल्ली जैसे अपने बच्चों को
यथा हरित पुत्र दंष्टाभ्याम ना ची पीड़िए, दांतों से दबा करके उठाती है लेकिन उसको पीड़ा नहीं होने देती। भीता पतन भेदाभ्याम, यानी कि डरी हुई पतन मन गिरने से भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत, अर्थात जब बिल्ली उठाती है दांतों से, दाढ़ से, यहां दंष्टाभ्याम है दाढ़ों से पूरे मुख में अंदर भर लेती है तो उठाती है, तो उसमें दो डर रहते हैं दिमाग में। सबसे पहला डर रहता है कहीं मैं उठाऊं और गिर ना जाए, पहला डर तो ये उसको होता है। दूसरा डर है कि जो दांत हैं वो कोमल शरीर है बच्चे का, वो उसको लग ना जाए, तो ये गिरने का डर और चुभने का डर। इन दो डरों के होने के बावजूद भी उन पुत्रों को, उन अपने बच्चों को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। ऐसे बाघ भी करता है, शेरनी भी करती है, बिल्ली भी करती है, जितने भी जो जानवर हैं मांसाहारी वो एक दूसरे से डर के कारण अपने बच्चे को अलग 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 रखते हैं, और ये 6 से 7 बार ऐसा करते हैं। तो क्या है, दो पोजीशन बन गई है, स्थिति बन गई, एक तो गिरने का डर, दूसरा चुभने का डर। इन दोनों से परे जाकर के बच्चे को संभाल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। उसी प्रकार तद्वद वर्णान प्रयोजित, उसी प्रकार से हमें वर्णों का, अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ना तो वो ज्यादा दब जाए और ना ऐसा हो कि मुख से ही निकल जाए, अर्थात बहुत जल्दी से ही नहीं उनका स्पीड से नहीं उनका उच्चारण कर देना चाहिए। तो ये कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये मुख्य हैं दोनों, ये किस प्रकार के पाठक के गुण होने चाहिए, किस प्रकार के पाठक के अवगुण होते हैं, तो इसमें बताया गया है। गीति शीघ्री शिराकंपी तथा लिखित पाठका अनर्थज्ञ अल्पकंठश्च षड एते पाठकाधमा, अर्थात वो पाठक अधम माने जाते हैं, निम्न प्रजाति, निम्न से संबंधित वो जो पढ़ने वाले जो हैं वो कम पढ़े लिखे माने जाते हैं, मान के चलिए वो उनको पढ़ना, यहाँ अधम शब्द का प्रयोग किया गया है, अधम पाठक माने गए हैं, अवगुण माने गए हैं 6 षड एते, कौन कौन से, जो गीति गद्य को भी गा करके बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसमें गाना शुरू कर दिए है, अब हम क्लास में पढ़वाते हैं कभी किसी बच्चे से तो उच्चारण जो करता है गद्य का कोई कोई बच्चा, तो वो गाते हुए करता है, जैसे वो पद को उच्चरित कर रहा हो तो वो उसका अधम हो गया, पाठक कैसा हो गया, वो अधम पाठक हो गया, अर्थात उसका अवगुण हो गया। गीति गा करके पाठ का उच्चारण करना, शीघ्री बहुत जल्दी 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 बोल देना स्पीड से, हमें इसमें बोलता चला हूं कि व्याघ्री ऐसे पुत्रों को हर के ले जाती है और दांतों में भर करके ले जाती है, उसी प्रकार से हमें वर्णों का उच्चारण करना चाहिए, नहीं समझ आएगा, खिचड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से शीघ्र अर्थात उसको उच्चारण जो किया जाए उसका उच्चारण बहुत जल्दी से न किया जाए, अर्थात शीघ्र करने वाला कैसा होता है, अधम पाठक कहलाता है। दो हो गया, शिराकंपी अपने सिर को हिला करके बोलने वाला, सिर को हिला हिला करके बोलने वाला अधम पाठक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तथा लिखित पाठका, लिखित पाठ का मतलब जो पुस्तक में लिख रहा है उसको वैसे ही एकदम पढ़ देना, उतार चढ़ाव का ध्यान न रखना, ये उसका ये भी एक अवगुण के अंतर्गत आता है। लिखित पाठक अर्थात लिखा हुआ है लेकिन उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव का भी ध्यान रखते हुए उसको उच्चारण करना चाहिए। तो अगर लिखित पाठक है जैसा लिखा हुआ वैसा ही पढ़ने वाला है तो भी पाठक कैसा है, वो अधम पाठक के अंतर्गत आएगा। अनर्थज्ञ, अनर्थज्ञ मतलब बिना अर्थ के ही पढ़ने वाला, मान लीजिए जिसका श्लोक हम पढ़ रहे हैं कोई, अब हम उसका अर्थ नहीं पता, उसको एक बार नहीं 1000 बार पढ़ लीजिए आप, उसका कोई भी लाभ नहीं होने वाला, तो इसलिए इन्हें अधम पाठक के अंतर्गत रखा गया है। हमें जब तक, जब किसी का अध्ययन करें तो हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए, तो अनर्थज्ञ कैसा है, अधम पाठक के अंतर्गत आता है। अल्पकंठश्च, और जो भी उच्चारण किया जाए पूरे कंठ से उच्चारण किया जाना चाहिए, अल्पकंठ से याद से संबंध नहीं है, यहां अल्पकंठ से तात्पर्य है उच्चारण होना चाहिए एकदम कंठ के द्वारा स्पष्ट, आधा आधा कंठ से नहीं, रोते रोते हुए कंठ से नहीं होना चाहिए। तो ये
पाठक के अधम पाठक के ये छह अवगुण बताए गए। यह मानिए कि पाठक के जो प्रकार है वो अधम के वो छह है। कभी आ जाए कि व्याकरण में पाणिनि शिक्षा में अधम पाठक कितने प्रकार के बताए गए हैं, ये इस तरह से प्रश्न आ जाए तो छह प्रकार के, और इनमें से कोई सा एक दे रखा हो इनमें से कौन से अधिक पाठक के अंतर्गत आता है तो आपको याद रखना है। गीति, शीघ्री, शिराकंपी, लिखित पाठक, अनर्थज्ञ, अल्पकंठस्थ, ये छह अधम पाठक का अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम अगले पर चलते हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पद छेदस्तु सुस्वर धैर्यम ले समर्थम च षडेते पाठका गुणा, अर्थात पाठक के ये गुण हैं कौन कौन से, एक दो तीन चार पांच छह षडेते पाठका गुणा कौन कौन से हैं। माधुर्यम, जो भी उच्चारण करे जो भी बोले उसमें मधुरता हो, बोलने में माधुर्यता हो, अर्थात सुंदरता के साथ उसको बोला जाए, ऐसा कान में चुभे नहीं उस तरह से उसको उच्चारण किया जाए, तो ये पहला गुण तो ये होगी मधुरता के साथ उच्चारण करना। अक्षर व्यक्ति, अक्षर व्यक्ति, व्यक्ति शब्द मैंने बताया व्यक्ति से बना है, मतलब किसी चीज को व्यक्त करना, तो यहां अक्षर को व्यक्ति बनाना अक्षर का स्पष्ट उच्चारण करने से है, तो यहां अक्षर का जब उच्चारण स्पष्ट हो जाएगा तो ये स्पष्ट उच्चारण करने वाला कोई अक्षर है उसको स्पष्ट रूप से उच्चारित किया जाए तो वो उसका एक गुण हो गया, किसका, पाठक का, तो एक गुण हो गया माधुर्य, दूसरा हो गया अक्षर व्यक्ति अर्थात स्पष्ट अक्षर बोलने वाला। पद छेदस्तु, पद दे रखे हैं उसको विच्छेद करते हुए अलग अलग करते हुए पढ़ना, पढ़ने वाला एक गुण है ये। सुस्वरा, स्वर के साथ में, स्वर बोल जाते हैं उदात अनुदात स्वरित, इनको ध्यान में रखते हुए उच्चारण करने वाला। अब थोड़ी सी यहां एक बात और बताता चलूं, हमने प्रातिशाखिक का भी अध्ययन किया है और पाणिनि शिक्षा, ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं आप इनका हिस्सा, प्रातिशाखिक तो पूरा ऋग्वेद पर आधारित ही है, पाणिनि शिक्षा भी लगभग 90% से ज्यादा भाग वो वेदों से ही संबंध है इसका, लौकिक संस्कृत से इसका कम संबंध है, तो आपको याद रखना है क्योंकि सुस्वरा शब्द जो प्रयोग किया गया है वो वेद से में उदात अनुदात स्वरित लौकिक में तो खत्म हो चुके हैं ये, अब उसका कोई महत्व तो नहीं रह गया, ये वेदों में आज भी है तो उनके अनुसार उसका उच्चारण करना, अर्थात ये सुस्वरा क्या है, ये पाठक का गुण है। धैर्यम, धैर्यता के साथ उच्चारण करना, हबड़ सबड़ ना करना, जल्दबाजी ना करना, धैर्यता के साथ आराम से उच्चारण करना, ये उसका गुण है। ले समर्थम चा, और ले के साथ सुर ले ताल, क्योंकि गेयात्मक होती है कुछ चीजें तो उसको भी ध्यान रखना है, ले के साथ में छंदों, छंदों बद्ध करके उसका, छंद नहीं होते ज्यादातर तो छंदों का पूरा प्रयोग करते हुए उसका प्रयोग करना। षडेते पाठक गुणा, ये छह गुण होते हैं पाठक के। अब यहां पर पाठक नहीं बताए हैं कि पाठक छह प्रकार के होते हैं, याद रखना है वो पाठक अधम प्रयोग किया गया है, अर्थात गीति, शीघ्री, शिराकंपी अगर अलग अलग हैं उसमें तो अधम पाठक हैं वो, ये पाठक के अवगुण नहीं बताए इसमें, उल्टा हो गया मामला, अगर होना चाहिए एक जैसा ही कि ये पाठक के अवगुण है ये पाठक के गुण है, लेकिन यहां पर पाठक के ये गुण है छह, ये अधम पाठक हैं। ठीक, आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़े। प्रातः पठेत नित्यम उरहा स्थितेन स्वरेण शार्दूल उपमा, यहां पर अब थोड़ी सी अब इस पर चर्चा करते हैं, आशा करूंगा ही आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, वैसे इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ी सी ही व्याख्याएं हैं, अगर एक दो बार आप देखेंगे तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। ये इसमें से भी एक प्रश्न बन जाता है, दरअसल ये पाठ के बारे में बोला गया है, यहां जो सवन प्रयोग किया गया है ये सवन शब्द यज्ञ के लिए भी होता है, पाठ के लिए भी होता है, मतलब जो भी अध्ययन करते हैं उसके लिए प्रयोग किया गया, यहां अलग अलग विद्वान ने इसका अलग अलग अर्थ लिया है, तो इसको प्रातः, मध्य और सायं सवन तृतीय, ये तीन जगह मानेंगे। अब इनका पाठ कैसे कैसे किया जाएगा इसके बारे में ये दोनों श्लोक बताते हैं, आपको याद रखना है
प्रातः पठित नित्यम उरहा, प्रातः पठित यानी कि सुबह को पढ़ना चाहिए, उरहा माने कंठ से, हृदय से या छाती से, यहां से उसका उच्चारण करना चाहिए। प्रातः पठित नित्यम उरहा, उरहा का मतलब याद रखना हृदय। स्थितेन स्वरेण शार्दुल ऋतुपमेन, कैसे हृदय से स्थित होकर के उसका उच्चारण करना चाहिए गंभीर ध्वनि में। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर उच्चारण भी वैसे करेंगे मुंह बंद करके थोड़ा, तो हमें ऐसा एहसास होगा कि यहाँ गंभीर ध्वनि निकल रही गर्जन के साथ। तो हृदय की बात कर रहे हैं ये, प्रातः हृदय के साथ उच्चारण करना चाहिए, पाठ को पढ़ना चाहिए, या हवन कर रहे हैं तो उसका भी, हवन जो करें उसमें जो पाठ किया जाए उसका भी हमें हृदय से उच्चारण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए अभी समझ नहीं आ रहा किसी के, तो उदाहरण इन्होंने जानवरों से लिए हैं, पक्षियों से लिए हैं। मैंने बताया था एक बार कि जो भी आप जो भी व्याकरण बनाइए, व्यवहार के तौर पर जो भी चीजें बनती हैं वो पूरा समाज उसमें सम्मिलित होता है, प्राकृतिक रूप से पूरी चीजें सम्मिलित होती है। तो इसमें प्रकृति में शार्दूल ले लिए हैं अर्थात व्याघ्र ले लिया है, शेर ले लिया एक तरह से मान के चलिए। शार्दूल ऋतुपमेन, जिस प्रकार शार्दूल रोता है, रोने की ध्वनि आती है उसकी, गर्जन की ध्वनि आती है, उसी प्रकार से सुबह का जो पाठ करना चाहिए वो हृदय से गंभीर ध्वनि के साथ उच्चारण करना चाहिए। मध्यंदने कंठ गतेन, अर्थात दोपहर को मध्य भाग में जब भी किसी का पाठ करें या हवन करें यज्ञ करें कुछ भी करें, तो कंठ गतेन चैव, कंठ से उसका उच्चारण कैसे करना चाहिए, कंठ से करना चाहिए उस पाठ को, हमें कंठ से करना चाहिए। चक्रवाह संकुचित संनिधेन, कैसे करना चाहिए, इसका उदाहरण इन्होंने पक्षी का लिया है चकोर। चक्रवाह मतलब जैसे चकोर कूजती है, कूजन करती है, कंठ से कूजती है, उसी प्रकार से हमें हवन करते समय, ये मैं बता रहा हूं वेद की बातें चल रही हैं और जो वेद के ज्ञाता हैं उनको ये बड़े अच्छे समझ में आ जाएगी, हम शायद इतना नहीं जानते, हम तो केवल इसको समझाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो वेद के ज्ञाता हैं बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, अगर उनसे आपका संपर्क हो तो उनसे इस विषय में चर्चा करेंगे तो वो बहुत अच्छे समझा देंगे और आपको। तो जैसे चकोर उच्चारण करती है कंठ से, बोलती है, कूंजती है, वैसे ही हमको मध्य में पाठ करने के लिए जो भी हो हमारे पाठ करने का विधि, उसको हमें कंठ से उच्चारण करना चाहिए। आगे है तारम तु विद्या सवनम तृतीया, तारम मतलब उच्च स्वर में, तार का मतलब क्या है, तारतम्यता। अगर आपने साइंस पढ़ी होगी, विज्ञान पढ़ी होगी, तो आपको पता चलेगा तार शब्द उसमें भी प्रयोग किया गया, तार का मतलब उच्च से संबंधित है, उच्च मतलब उच्च ध्वनि, किसमें सबसे ज्यादा तारतम्यता होती है, इस तरह से उदाहरण आते हैं, उदाहरण दे देंगे जैसे मक्खी है, मच्छर है, या और दो तीन उदाहरण देंगे, तो उसमें तारतम्यता किसमें ज्यादा होगी आवाज में, तो उदाहरण होता है मच्छर में। महिलाएं गीत गाती है एक साथ तो उनमें स्वर एकदम बन जाता है, क्यों कैसे बन जाता है, तारतम्यता के कारण, वो साइंस के हैं सभी सवाल, साइंस का भी अध्ययन करते चले इसी के माध्यम से। तो तारतम्यता का मतलब पतली और उच्च ध्वनि, थोड़ा ध्यान रखना, तारतम्यता का मतलब पतली और उच्च ध्वनि उच्चारण, उच्च उच्चारण, उच्च ध्वनि या उच्च उच्चारण से, तार का मतलब। तू विद्या सवनम तृतीया, अर्थात तीसरा जो यज्ञ है शाम के समय में जो यज्ञ किया जाए, पाठ किया जाए, तो उसका उच्चारण तेजी से किया जाए, तीव्रता से, उच्च स्वर में, कैसे, शिरोगतम तच्चा सदा प्रयोजम, सिर से, अर्थात ऊंचा बोलेंगे तो ऐसा लगेगा हम सिर से बोल रहे हैं, तो शिरोगतम प्रयोजित, उसका प्रयोग सिर से करना चाहिए। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अगली लाइन में भी बड़े अच्छे समझाया कैसे, उसका उदाहरण तीन तीन दिए हैं, मयूर हंस अन्य भ्रत, अन्य भ्रत का मतलब कोयल, ठीक है ना, अन्य भ्रत का मतलब, शायद ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, ये तो दिखाई दे रहा होगा, हाँ कोयल, कोई बात नहीं, बोल रहा हूं अन्य भ्रत का मतलब कोयल। अन्य भ्रत स्वराणाम तुल्यन, यानी कि मोर की आवाज सुनी हो आपने, हंस की आवाज सुनी, हंस तो बहुत ही मुश्किल से सुनी होगी, लेकिन मोर की तो ज्यादातर लोगों ने सुनी है, चलो कोई बात नहीं, मोर की भी नहीं सुनी है, तो कोयल की आवाज तो बसंत में सभी ने सुनी होगी, इसलिए तीन तीन उदाहरण दिए, कहीं अंश हैं तो मोर नहीं है, और मोर हैं
तो हंस नहीं है, लेकिन कोयल सर्वत्र मिल जाती है। इसलिए यहाँ तीन तीन उदाहरण दिए हैं। वो जो बोलते हैं हंस, मोर और कोयल, वो कैसे उच्चारण करते हैं? वो सिर से उच्चारण करते हैं, अर्थात तीव्र स्वर में उच्चारण करते हैं। इसलिए तुल्यन नादेन शर स्थितेन, जिस प्रकार से ये तीनों सिर से स्थित होकर के तीव्र ध्वनि में उच्चारण करते हैं तारतम्यता के साथ, वैसे ही हमको उच्चारण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। कौन सी काल में? सायकाल में, तृतीय सवन में। यह आ जाता है तृतीय सवन, याद रखना आपको, तृतीय सवन की चल रही है चर्चा। ये प्रातः शार्दूल की तरह गंभीर ध्वनि हृदय से, मध्य में चक्रवाह चकोर की तरह कंठ से पाठ करना चाहिए, तृतीय सवन में अर्थात साय के समय में मयूर हंस और कोयल की तरह सिरोगत से तीव्र ध्वनि के साथ उच्चारण करना चाहिए। और तो मुझे इसमें कुछ नहीं लगा खास, छोटी सी चर्चा थी, आपको लाभ देगी, और इसमें से एक से दो प्रश्न अवश्य रहते हैं, आपको ये कंठस्थ कर लेना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।